हाँ तो भैया आज शुरू करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 4 प्रकाश विद्युत प्रभाव का। और लेक्चर 4 में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पूरे लेक्चर में यही टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन एक बहुत ही एक्स्ट्रा माइंडेड आदमी था, जिसने प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर अपनी इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन है उसको पहले हम समझते हैं। इक्वेशन से पहले इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन सिद्धांत है वो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करता हूं, उसके बाद में ही हमको समझ में आएगा, वो हमको यहां पे लिखना भी है। तो देखें, वो सिद्धांत ये है, मान के चलो ये कोई मेटेलिक सरफेस है, कोई धातु की सतह है या कोई धातु है। इस धातु पर यहां कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि धातु के अंदर तो गति कर सकता है बट अपने आप धातु के बाहर नहीं जा सकता। इस पर जब हमने बाह्य ऊर्जा दी, किसके रूप में, प्रकाश के रूप में जब हमने बाह्य ऊर्जा दी, तो इसको एच न्यू ऊर्जा मिलेगी। मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित कर लेगा, इसके को एक फोटोन को अवशोषित करने के बाद संपूर्ण ऊर्जा फोटोन की किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का क्या क्या यूज करेगा, ये हमको समझना है। देखो, सबसे पहला यूज, इसको एक बार ऊर्जा मिल गई तो सबसे पहला काम, ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर है वहां से निकलने के लिए ऊर्जा देगा, तो निकलने के लिए कार्य फलन के बराबर ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जिसको फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आएगा, जब यहां चल के जाएगा तो थोड़ी बहुत ऊर्जा की हानि होगी, वो चलने की वजह से, टकराने की वजह से, टक्कर में ऊष्मा हानि हो सकती है या ऊष्मा के रूप में हानि हो सकती है, या फिर अनेक नाभिकों के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए बाहर जाने में कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, जिसको मैं W से व्यक्त कर देता हूं। यहां से यहां तक जाने में अनेक सभी नाभिकों के विरुद्ध किया गया कार्य W, और फिर जो बची कुची ऊर्जा है उस ऊर्जा से ये इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा या फिर इस धात्विक सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब ये यहां से जाएगा तो बची कुची जो ऊर्जा है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं तुमको इसमें संख्या लेके समझा देता हूं। तो इसमें एक बार लिखना क्या है तो वो मैं बता देता हूं, लिख लें एक बार। जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन के रूप में, कोमा कुछ भाग ऊर्जा हानि के रूप में खर्च होता है, तथा शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। तो देखो, यहां पे जो प्रकाश का फोटोन आया, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा चली गई पूरी की पूरी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास। इस इलेक्ट्रॉन ने उसको कैसे कैसे खर्च किया, सबसे पहले तो कार्यफलन के रूप में खर्च किया, फिर ऊर्जा हानि के रूप में खर्च किया, और बची कुची जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से वो गति करता हुआ बाहर चला जाएगा। मान लो इसको जो प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिली है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा मान लेते हैं, मैंने माना है, कोई नंबर फिक्स नहीं। और यहां पे इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां इसके विरुद्ध कार्य करने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का लॉस हो गया, ठीक है। तो मिली कितनी टोटल, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें से 4 तो इसको निकालने में खर्च हो गई और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस क्रिस्टल से बाहर निकलने में, नाभिकों के विरुद्ध कार्य करने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाती है या फिर टक्कर की वजह से खर्च हो जाती है। तो कितनी खर्च हुई, मिली 9 जिसमें से 4 और एक 5 खर्च हो गई, तो बाहर कितनी निकल के गई, 5 खर्च हो गई, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, अर्थात जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस आधार पर ही हम इसका समीकरण लिखेंगे, जो मैंने बोला था उसको लिख लेना, 2 लाइन थी, उसके बाद में हमको क्या लिखना है, आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा, आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा कितने भागों में खर्च होगी, सबसे पहले तो किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में,
बराबर होगी कार्यफलन, फिर ऊर्जा हानि, फिर होगी ऊर्जा हानि, और लास्ट में जो बची गुची ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ध्यान से समझो, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है टोटल आपतित फोटोन की ऊर्जा आई है। इसके बाद में इसको 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 हम जोड़ दें तो ये 9 आएगा, 4, 4, 8 और 1, 9, मतलब कार्यफलन, ऊर्जा हानि और गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की को जोड़ दें तो ये आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा के समान होगा। तो यहां पे आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा को इसे व्यक्त करेंगे, ई बराबर कार्यफलन फाइ नॉट प्लस ऊर्जा हानि को मैं डब्ल्यू से व्यक्त कर रहा हूं प्लस गतिज ऊर्जा कितनी के मान लेते हैं, गतिज ऊर्जा को क्या मान लेते हैं के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस डायग्राम को चलो बाद में मिटा देंगे। ये यहां पे फॉर्मूला आ गया, समीकरण से इलेक्ट्रॉन की या फोटो इलेक्ट्रॉन की कहो, समीकरण से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस समीकरण के अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हुई, के बराबर ई, पक्षांतरण करके इन दोनों को बदल लिया, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस फाई नॉट माइनस डब्ल्यू, जिसको चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस फाई नॉट प्लस डब्ल्यू। इतनी गतिज ऊर्जा आई, मतलब इस गतिज ऊर्जा के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज सुनो, यदि ऊर्जा हानि ना हो, ऊर्जा हानि ना हो मतलब ऊर्जा हानि W बराबर जीरो, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो फिर जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी, अधिकतम होगी। क्यों होगी अधिकतम, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहां से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ ही आया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको निकालने में खर्च हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हानि हो गई, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ निकलाएंगे। अच्छा ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, धातु के लिए तो फिक्स होता है, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अगर इसको किसी तरह कम कर दिया जाए, कम से कम कितना हो सकता है, डब्ल्यू बराबर जीरो, इससे कम तो हो ही नहीं सकता भाई, ऊर्जा देगा तो है नहीं, कुछ ना कुछ नष्ट ही करेगा, और हमने मान लिया कि नष्ट नहीं कर रहा है, जीरो, तो फिर ये कितनी ऊर्जा से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम है, मतलब ये मिनिमम हो जाएगा तो ये अधिकतम हो जाएगा, सीधी सी बात है इक्वेशन के हिसाब से। तो ऐसे में जो गतिज ऊर्जा है वो के बराबर हो जाएगा के मैक्स, के बराबर क्या हो जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू कितना, ई माइनस फाई नॉट प्लस डब्ल्यू का मान जीरो, ऊर्जा हानि को मैंने क्या मान लिया है, जीरो। तो ऐसे केस में के मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन निकल के आई है। अब अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन में मान लिख सकते हैं, तो उधर वाला मैं डायग्राम मिटा देता हूं, इस वाली इक्वेशन में किस चीज का कितना मान होगा वो मैं लिख देता हूं, कल वाले लेक्चर में इसके मान निकाले थे हमने, यहां चलो अभी बाद में डब्बा बनाएंगे इस पर, यहां आपतित फोटोन की ऊर्जा E बराबर कितनी होगी, एच न्यू कॉमा फाई नॉट बराबर कितना होगा, एच न्यू नॉट, कल बताया था मैंने दैहली आवर्ती में, ठीक है, तो दोनों का मान लिखेंगे तो के मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच अगर बाहर ले लूं तो मैं न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर में एच, और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा, इसको लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा नॉट। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर सी बार ले लो एच सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये जो इक्वेशन निकल के आई है यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसी को भैया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। जनरली क्या होता है, कई किताबों में मैंने देखा है, किताबों में भी ऐसा होता है और ज्यादातर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं इसको, कि
कहीं भी W के बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएंगे फिर इसको W के बारे में? W का उनके पास कंसेप्ट होता ही नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं? आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ऊर्जा हानि उनके कंसेप्ट में कहीं होती नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसके बिना किसी भी किताब में भी तुम देखोगे ना तो के मैक्स मिलेगा तुमको। तो जब तक तुम W का कॉन्सेप्ट नहीं लाओगे, के मैक्स लिखना बेवकूफी है। कैसे लिख दोगे तुम? तो उसको लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, कि ऊर्जा हानि लिखने के बाद में जब ऊर्जा हानि न्यूनतम होगी या ऊर्जा हानि नहीं होगी किसी केस में, उस समय हम गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे जो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। और ध्यान रखना, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं सब इतनी ऊर्जा के साथ हों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सब थोड़ी बहुत अलग अलग ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो सकते हैं, पर हाँ अधिकतम इससे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। समझ में आ गई बात? मान लो, इसको ऐसे समझो, मान लो ये कोई मेटेलिक सरफेस है जहां पर एक, मान लो ऐसे एक और दूसरा यहां पर दो, तीसरा यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है। इस पर एक फोटोन आया, दूसरा फोटोन इस पर आया, तीसरा फोटोन इस पर आया, ये यहां से डायरेक्ट उत्सर्जित हो गया, मतलब इसको मेटल के अंदर चलना ही नहीं पड़ा। तो हो सकता है इसमें जो है ऊर्जा हानि जीरो हो, ये थोड़ा सा अंदर है तो इसमें ऊर्जा हानि होगी। ऊर्जा हानि इसमें W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, और ये ज्यादा नीचे हो सकता है इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाए तो W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये केवल एक प्रेडिक्शन है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो यहां पर अगर मान लो आपतित फोटोन जो है वो एक जैसा प्रकाश आ रहा है, पूरे पे एक जैसा प्रकाश आ रहा है, तो एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा मैंने मान लिया, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐसा मैंने मान लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सब का कार्यफलन है, क्योंकि धातु तो एक ही है, एक ही धातु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन समान होगा, और जो प्रकाश आ रहा है वो पूरा एक जैसा प्रकाश है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा समान होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 में से 2 तो यही लॉस कर दी इसने, यहां पर 0 करी तो ये कितनी ऊर्जा से निकलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा यहां पर देखो, 5 आई, 2 यहां पर गई, 1 यहां गई, तो कितनी बची? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर कितनी बची? 5 में से 2 गई तो 3, 3 में से 2 गई तो कितनी बची फाइनली? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भैया काइनेटिक एनर्जी है के, ये भी के है, ये भी के है। तो ध्यान रखना, एक ही धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं सबका वेग एग्जैक्टली समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेग तो तब समान होगा जब गतिज ऊर्जा समान होगी, क्योंकि द्रव्यमान तो सब इलेक्ट्रॉनों का समान है, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन ये वाला हो, ये हो, ये हो, सबका द्रव्यमान समान होता है, तो वेग भी सब क्या लगा हो। यहां पे ये वाला के मैक्सिमम है, ये इससे थोड़ा सा कम है, और ये सबसे कम है, ठीक है। और भी ऊर्जा हानि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पे कोई फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहां पे लॉस कर दी, और यहां पे ऊर्जा हानि हो गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के मिनिमम है, ये कैसी है? के मिनिमम। इससे कम तो हो ही नहीं सकती। इससे कम पे अगर मान लो, इससे कम पे अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब इसका मान 0 से आगे फिर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब हो रहा है, 0 पे भी हो रहा है लेकिन वो गति नहीं कर रहा है, बाहर आ गया है, बाहर आके गति नहीं करेगा, बट इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उत्सर्जित ही नहीं होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये जो है अधिकतम है, अधिकतम कब है? जब ऊर्जा हानि कैसी है? 0, यानी कि ऊर्जा हानि नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकलता है। तो थ्योरेटिक प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ में आया होगा ये। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल ली, तो ये भी निकाल लेते हैं कि अधिकतम कितने वेग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग इसी के अंदर है, फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जब तक वो उत्सर्जित नहीं होता तब तक उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। चूंकि इसकी जो गतिज ऊर्जा है के मैक्स बराबर होती है 1/2, इसके पदों में निकालें तो कितनी होती है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इतनी होती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा का मैं फॉर्मूला निकालूं तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो 1/2
एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का यही एकमात्र फॉर्मूला है। किसकी गतिज ऊर्जा है? फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे द्रव्यमान किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का, इनटू वेग भी इलेक्ट्रॉन का आएगा। और ये वेग कैसा होना चाहिए? अधिकतम, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी कैसी है? अधिकतम। तो अधिकतम गतिज, अधिकतम वेग आ गया। बराबर इसका मान किसके बराबर होता है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होता है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। ठीक है, चलो इन दोनों का यूज करके वी स्क्वायर मैक्स निकाल लो। वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से बी बी मैक्स इज इक्वल टू इधर पूरा अंडर रूट क्या आया? एच अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें एक चीज और भूल गए, ये टू ऊपर पहुंच जाएगा तो टू एच, तो ये आ जाएगा टू एच अपॉन में एम ई न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर न्यू की जगह लैम्डा के पदों में लिखना चाहते हो तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2hc अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो भैया ये समीकरण आ चुका है, ये समीकरण आया है कि अधिकतम कितने वेग से, अधिकतम कितने वेग से फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल सकता है, इस समीकरण द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लें पूरा, फिर आगे चलते हैं इसमें ग्राफ वगैरह इसके। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में कुछ ग्राफ बनते हैं भैया, तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा वो हम निकालते हैं। ये ग्राफ में हमको दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे समीकरण से ग्राफ आएगा। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन की चूंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम भी लिख सकते हो, बाकी के मैक्स लिख देंगे, एक ही बात है। के मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहां पर एच न्यू नॉट पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है पिछली वीडियो में देख लें और फिर बता देता हूं थोड़ा सा मैं, एच न्यू नॉट कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यू नॉट धातु की दहली आवृत्ति, और दहली आवृत्ति प्रत्येक धातु के लिए कॉन्स्टेंट होती है। धातु बदलोगे तो ये बदलेगी, उस धातु के लिए किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डालो, दहली आवृत्ति हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। और एच ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट हो गए। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, इस समीकरण की तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से। तो एक समीकरण तो क्या है, k max इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस c। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो, हालांकि तुम इसको उतारना मत, देखो y अक्ष पे तो कौन आना चाहिए, y अक्ष पे तो आना चाहिए k max। ठीक है, अच्छा यहां पे इसकी जो ढाल है प्रवणता, m बराबर कितनी आ गई, अच्छा x अक्ष पे कौन आएगा, x अक्ष पे आएगा न्यू आवृत्ति जिसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं हम, इसकी ढाल कितनी आ जाएगी h, और c बराबर माइनस h न्यू नॉट। ये इन दोनों का आपस में तुलना करके हमने निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखते हैं। अगर कोई समीकरण ऐसे हो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x और y, यहां पे x अक्ष और यहां पे y अक्ष, यहां पे जो c है ये होता है y अक्ष पर काटा गया, y अक्ष पर काटा गया अंतः खंड, y अक्ष पर काटा गया अंतः खंड। तो इसका ग्राफ है ना इस तरीके से बनेगा, यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये c है, ये डिस्टेंस कितनी है c, ये ग्राफ इस तरह बनेगा अगर ये समीकरण है तो। अगर मान के चलो c का मान जीरो है, c का मान यहां पे जीरो होता, अभी तो c है लेकिन समीकरण होता y बराबर mx, तो इसका ग्राफ फिर ऐसे बनता, y अक्ष पे अंतःखंड जीरो हो जाता, ग्राफ ऐसे बनता। लेकिन एक तीसरा केस, अभी पॉजिटिव है तो ऐसे, और अगर इस वाले के लिए मैं ग्राफ बनाऊं
तो इस वाले के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ये एक्स है और ये क्या है वाई। ठीक, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ है नहीं। अगर ऐसे हो वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, तो गौर से देखो यहां पे वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड प्लस सी है, यहां पे वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड प्लस जीरो है, प्लस माइनस जीरो मतलब है ही नहीं। यहां पे वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड माइनस सी है, माइनस सी है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अगर प्लस होता तो यहां बनता, जीरो होता तो यहां बनता, लेकिन माइनस में है तो ये ग्राफ यहां से बनेगा। समझ में आया कुछ? ये ग्राफ यहां से बनेगा और यहां पे आ जाएगा माइनस सी। कितना आ जाएगा? माइनस सी या ओनली सी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस ये अगर वाई एक्स पॉजिटिव है तो इधर वाई एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। सही है, इधर एक्स अक्ष है, कोई दिक्कत। यहां पे एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना है? थीटा। और एम बराबर कितना होता है? टेन थीटा। ये इसकी ढाल होती है। तो ये मैंने तुमको ग्राफ बनाना सिखा दिया, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक सिंपल सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के आधार पर ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये मैंने तुमको सिखाया। जो बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है वो बच्चे इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो अब x और y का काम खत्म हो गया है, x y का रूप किसी और ने ले लिया। यहां पर y की जगह पे तो हमको क्या लिखना है? के मैक्स। y की जगह तो हमको क्या लिखना है? के मैक्स। चलो लिखते हैं, y की जगह पे हमको लिखना है के मैक्स, x की जगह पे किसको लिखना है? न्यू। ये न्यू लिख दिया मैंने x की x अक्ष पे। अब इसका तो कोई काम नहीं है, अंतःखंड नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहां पे ये जो अंतःखंड है ये c है, इधर माइनस के मैक्स आएगा अगर लिखना चाहो तो। c है, इसका मान कितना है? h न्यू नॉट। और ध्यान रखना h न्यू नॉट को ही हम, ये है h न्यू नॉट यहां पे, और इसको हम फाई नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्यफलन होता है। क्या होता है? कार्यफलन। यहां पे इसके द्वारा x अक्ष से बना कोण कितना है? मान लो थीटा। इसकी ढाल हमको पहले से पता है, तो अगर इस ग्राफ की ढाल निकालनी हो, ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल, तो ग्राफ की ढाल का सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। और यहां पे किसी भी मेथड से इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ढाल हमको पता है कितनी है, h। प्लांक नियतांक के बराबर इसकी ढाल है। किसके बराबर इसकी ढाल है? प्लांक नियतांक। मान लो तुमको थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स h। तुम ये भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई काम पड़ता नहीं है थीटा निकालने का इसमें विशेष का। यह है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में रिलेशन। बोलो बात समझ में आई इतनी सी? अब एक चीज देखो इसमें गौर से, कि ग्राफ की जो ढाल है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक के कांस्टेंट होता है। यहां यहां लिखा देता हूं मैं जो लिखना है, यहां ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक धातु के लिए एक समान, एक समान, ब्रैकेट में चाहो तो नियत भी काम में ले सकते हो, नियत प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। अर्थात जो थीटा का मान है वो हर बार कैसा आएगा? कांस्टेंट। यदि यदि अनेक धातुओं, यदि अनेक धातुओं के लिए, यदि अनेक धातुओं के लिए यह ग्राफ बनाया जाए तो किस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा वो सुन लो ध्यान से। ऐसे केमैक्स वाली लाइन बना दी हमने, केमैक्स वाली लाइन के बाद में ये एक्स अक्ष बना दिया, और एक्स अक्ष पे क्या लेनी है? फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नॉट होगी, क्यों बताऊंगा आगे। ठीक है, देखो यहां पे जाके ग्राफ बना रहे हैं अब हम, इधर लेना है के मैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम इस जगह पे कार्यफलन पे आके मिलता है, सबसे कम कार्यफलन किसका होता है सोच के बताओ? सीजीएम का। सीजीएम का जो कार्यफलन है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक होता है, कितना 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है इतना होता है। तो मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ढाल सबकी बराबर आएगी, इसका मतलब सब एक दूसरे के समांतर होंगे, ढाल बराबर होने का मतलब है सब एक दूसरे के समांतर होंगे। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ में तुम चाहें तो इधर वाला जो पोर्शन है उसको डॉटेड लाइन से बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है कारण बताऊंगा अभी क्यों। तो एक ग्राफ मैंने बना देता हूं इस तरीके से, एक ग्राफ बन गया, दूसरा ग्राफ मैं बना देता हूं यहां पर इस तरीके से, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, चलो मैं मिला ही देता हूं, इसके बिल्कुल समांतर बनाना है और ये जाके यहां पर मिल जाएगा, यहां पर जाके मिल जाएगा। तो पहली वाली जो पहला वाला जो ग्राफ है और दूसरा वाला ग्राफ, पहले वाले ग्राफ के लिए कार्यफलन फाइ नॉट वन और इसके लिए फाइ नॉट टू लिख सकते हो, बट वो अभी आगे देखेंगे क्या क्या लिखना है। इनमें से एक ग्राफ, तो एक ग्राफ अगर तुमसे कहा जाए कि इनमें से एक ग्राफ तो सीजियम का है दूसरा प्लेटिनम का है, तो पहले वाला ग्राफ सीजियम का है या दूसरा वाला, तुमको ऐसे पता लगाना हो तो कैसे लगाओगे? ये वाला जो कोण है दोनों में सेम होगा क्योंकि सबकी ढाल समान होती है, और ढाल एम बराबर क्या होती है टेन थीटा, ये तब बराबर आएगी जब हर बार थीटा सेम हो, तो थीटा सेम है इसका मतलब है समांतर है, ठीक है। तो मैं तुमको बता देता हूं कि पहली वाली लाइन कार्यफलन यहां पर प्राप्त हो रहा है, दूसरी वाली लाइन का कार्यफलन यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो कार्यफलन कौन सा ज्यादा है, पहली वाली का दूसरी वाली का? दूसरी वाली का तो इतना है, पहली वाली का इतना सा है, तो पहली वाली का कम है। तो ये तो है सीजियम के लिए और ये है प्लेटिनम के लिए, दोनों ग्राफ हैं, इसका कार्यफलन सीजियम के लिए और इसका कार्यफलन प्लेटिनम के लिए। यहां पे ये जो दैली आवृत्ति है ये तो है सीजियम के लिए और ये दैली आवृत्ति है किसके लिए, प्लेटिनम के लिए। अगर सीजियम और प्लेटिनम के अलावा कोई भी अन्य धातु जैसे Fe, Fe के लिए ग्राफ बनाना है हमको, Fe के लिए ग्राफ बनाना है, तो वो ग्राफ कहां प्राप्त होगा, सीजियम से भी पहले या प्लेटिनम के बाद या दोनों के बीच में? तीन ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। जैसे मान लो कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, और पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन ही करा देता हूं मैं, लाओ इसका क्वेश्चन ये है, सही ग्राफ है, सही ग्राफ है, इन सब में से सही ग्राफ कौन सा है? पहला ग्राफ, पहले ग्राफ में ये एक लाइन है सीजीएम के लिए और दूसरी जो लाइन बना रहा हूं मैं, दूसरी लाइन बना रहा हूं मैं प्लेटिनम के लिए और तीसरी लाइन बना रहा हूं मैं Fe लोहे के लिए। दूसरा ग्राफ बनाते, दूसरा ग्राफ, इधर आवृत्ति न्यू और इधर के मैक्स या गतिज ऊर्जा लिख सकते हो। यहां पर एक ग्राफ सबसे पहले बना देते हैं सीजियम के लिए, इसके बाद में दूसरा ग्राफ हम बना देते हैं Fe के लिए और तीसरा ग्राफ हम बना देते हैं प्लेटिनम के लिए, ठीक है उन्हीं चीजों के बीच में है, इधर न्यू इधर गतिज ऊर्जा के या के मैक्स लिख दो। अगला ग्राफ, तीन ग्राफ में से तुमको सही गलत का पता लगाना है। पहला ग्राफ मैं बना देता हूं Fe के लिए, दूसरा ग्राफ हम बना देते हैं सीजियम के लिए और तीसरा ग्राफ बना देते हैं हम ये सही सीधी सीधी लाइन मिला लेना भाई, तीसरा बना देते हैं प्लेटिनम के लिए। तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है, तुमको ये पूछ लिया जाए पेपर में तो कैसे करोगे? तो ध्यान से सुने इस बात को, कैसे करना है। मैंने बताया कि सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, तो इन दोनों में देखने से पता चल रहा है सबसे ऊपर ये जाके मिला है, मतलब ये वाला कार्यफलन सबसे कम और ये ज्यादा, तो सीजियम का होता है सबसे कम और प्लेटिनम का होता है सबसे ज्यादा, बाकी सबका इनके बीच में होता है कार्यफलन। तो अब इस ये बात जहां पर भी प्रूव हो रही है वो सही है, बाकी गलत है। इसके हिसाब से सीजियम का कार्यफलन सबसे कम, लोहे का सबसे ज्यादा और प्लेटिनम का लोहे से कम सीजियम से ज्यादा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लेटिनम का तो Fe से ज्यादा होता है। अब लास्ट वाले में देखो, इसके हिसाब से तो Fe का सबसे कम होता है, तो ये तो गलत है। अब इस वाले पे आते हैं, तो इस वाले में देखो
इसके हिसाब से सीजियम का सबसे कम, एफ ई का इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका भाई, ये तो किसका है सीजियम का, ये किसका है एफ ई का, और ये इतना ज़्यादा किसका है प्लेटिनम का। तो इस ग्राफ के हिसाब से सीजियम का सबसे कम होता है, प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा, और एफ ई का इनके बीच में कहीं होगा। एग्जैक्ट बीच में होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बीच में कहीं होगा, कितना भी हो सकता है। एफ ई की जगह सोडियम आ जाए तो भी, तो ये वाला ग्राफ सही है, सोडियम भी एफ ई की जगह बीच में आ जाएगा। इसको एक बार नोट करें, इस सवाल को भी नोट कर लेना, ये ग्राफ बनाया इसको भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर तुम चाहो तो ये ग्राफ क्यों सही है उसका जवाब लिख लेना, उसका जवाब ऐसे आएगा, ये तो है फाई नॉट फोर सीजियम, ये है फाई नॉट फोर एफ ई, और ये है फाई नॉट फोर प्लेटिनम। तो कारण लिख लेना, क्योंकि क्योंकि फाई नॉट फोर सीजियम इज मिनिमम, इससे ज़्यादा फाई नॉट फोर एफ ई, और सबसे ज़्यादा होता है फाई नॉट फोर प्लेटिनम। इस चीज़ को सेटिस्फाइड ये ग्राफ कर रहा है, इसलिए ग्राफ सही है, बाकी सभी ग्राफ कैसे हैं गलत। नोट करें भैया इसको जल्दी से, ग्राफ नंबर दो, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य ग्राफ। देखो इसमें जल्दी जल्दी से बता देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्या फॉर्मूला है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का? तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का जो फॉर्मूला है वो है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इसको ये आवृत्ति के पदों में, हमको तरंग दैर्ध्य के पदों में बदलना है, तो एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी इंटू वन अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट ही रहने दो। यहां पर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो पूरा क्या है कॉन्स्टेंट। तो ऐसे अब इस समीकरण की तुलना करनी है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से। इस समीकरण की तुलना करो y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ये वाला है तो ये तो c हो गया। तो सबसे पहले y की जगह पे तो क्या आ रहा है k max, ठीक, और x की जगह पे क्या आ रहा है वन अपॉन लैम्डा, x की जगह पे वन अपॉन लैम्डा, इसके बाद में m की जगह पे एच सी, और c बराबर कितना है माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। कोई उसे यार ऐसा मत करना, सी से सी को काट दे, ये अंत्यखंड काटो, अंत्यखंड है ये प्रकाश का वेग है, तो ऐसे मत कर देना कोई कलाकारी, है ना। अगर इनके बीच में ग्राफ बनाया जाए तो सिंपल ग्राफ बनेगा जैसे पहले बना था, इधर के मैक्स या ओनली के ले लेना, इधर क्या आएगा वन अपॉन लैम्डा। यहां से सीजीएम के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा फोर सीजीएम, यहां पर फाइव नॉट फोर सीजीएम। अगर हम प्लेटिनम के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसका कार्यफलन सबसे ज्यादा होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा फोर प्लेटिनम। ढाल सबकी समान होगी, कारण H इंटू सी कॉन्स्टेंट है तो सबकी समान ही होगी, यहाँ पर जितना थीटा होगा यहाँ पर भी उतना ही थीटा होगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, यहाँ पर आ जाएगा फाइव नॉट फोर प्लेटिनम, क्लियर है। इसकी ढाल, ढाल बराबर आएगी एम बराबर टेन थीटा बराबर एच सी, क्यों, क्योंकि ढाल कितनी आ चुकी है एच सी। यहां से थीटा अगर निकालना हो तो टेन इनवर्स एच सी, ढाल पहले से कम है कि ज्यादा है, पिछले वाले में ध्यान रखना ढाल कम थी, इस वाले में ढाल ज्यादा है, कारण क्योंकि पहले तो ढाल केवल एच थी, अब की बार ढाल है एच इंटू सी, और सी का मान एक से बड़ा होता है इसलिए ढाल बढ़ गई, ठीक है ना, ये ढाल बन गई। और अगर तुमसे पूछे कि लोहे के लिए या किसी भी चीज के लिए कहां ग्राफ बनेगा, तो बाकी सभी धातुओं के लिए ग्राफ यहां बनेगा, कोई भी धातु वो हमेशा ग्राफ इनके बीच में आएगा, इसके पहले और इसके बाद में नहीं आ सकता, समझ में आ गई। उसके लिए भी कोण कितना रहेगा थीटा, यहां पे कितना वन अपॉन लैम्डा नॉट फोर प्लेटिनम, यहां पे क्या वन अपॉन लैम्डा नॉट फोर सीजियम, ये वही चीजें, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको एडिट से नोट कर लो।
तीसरा और लास्ट पॉइंट समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और तीव्रता के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। तो अब जो बच्चे थोड़े से इस चैप्टर को समझ के पढ़े हैं वो इसका ग्राफ बिना गए बना सकते हैं। चलो नहीं बन पा रहा, मैं बताता हूं थोड़ा सा कि मैं अब की बार आवृत्ति, अब की बार भैया आवृत्ति को रखा गया है नियत। आवृत्ति को कैसा रखा गया? नियत, मतलब आवृत्ति को चेंज नहीं कर रहे, बट ये आवृत्ति जो है ना नियत तो है, फिक्स है, पर ये दैहली आवृत्ति से ज्यादा है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पाए। ठीक है, अब मैं तीव्रता को बढ़ा रहा हूं, तो जब मैं तीव्रता को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी? फोटोन की संख्या। क्या बढ़ेगी? फोटोन की संख्या। मुझे एक बात बताओ, फोटोन की संख्या बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा तो नहीं बढ़ी? भाई गतिज ऊर्जा जो है सीधे सीधे किस पे निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा पर। क्या फॉर्मूला है? के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है दर वाला। ठीक है, मैंने इसको नियत रख लिया, इसको आवृत्ति को मैंने कैसा रख लिया? नियत। तो इस ग्राफ में कहीं भी तीव्रता आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। और वैसे भी हम जानते हैं कि तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। कैसे? फिर से बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं। मान लो यहां पर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहां से प्रकाश आ रहा है, ये कम तीव्रता का प्रकाश है, एक फोटोन आ रहा है प्रति सेकंड, मान लो इसकी ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहां ऊर्जा आनी हो नहीं रही है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी कार्यफलन है, तो ये यहां से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ। सही है, अब मैं तीव्रता बढ़ा दूं, आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो 4 की जगह 6 हो जाएगा, ये 6 होगा तो 2 खर्च करके 4, मतलब ये बढ़ रही है, लेकिन जब मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो ये 4 ही रहेगा, बट इनकी संख्या बढ़ जाएगी। फोटोन की संख्या कितने हो गए? 1 की जगह 2 हो जाएंगे, हो सकता है 3 हो जाए, पर सबकी ऊर्जा सेम रहेगी, ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 3। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 3, और सब समान ऊर्जा के साथ निकलेंगे। बोलो सही है। तो अगर मैं देखूं फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और तीव्रता के बीच में कोई रिलेशन बनता है क्या? नहीं बनता। तीव्रता कम हो या ज्यादा हो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन आवृत्ति का फर्क पड़ता है, जिसके लिए हमने ग्राफ बना भी दिया किस तरह पड़ता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो अगर इसके लिए ग्राफ बनाए भी हम, यहां ऐसे लिख देना के का मान तीव्रता आई पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आगे लिखना, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा नहीं, इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ेगी परंतु उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ग्राफ बना देंगे इस तरीके से, इधर मैं ले रहा हूं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के, इधर ले रहा हूं मैं इंटेंसिटी तीव्रता, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। समझ में आ गया? गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तीव्रता चाहे कितनी बढ़ाते चले जाओ फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी बट ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ग्राफ यह बन जाएगा। इसी के साथ ये समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है खत्म। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अंदर या आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण द्वारा हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव की कंप्लीट व्याख्या करनी है तो हम किस तरह करेंगे, ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, लिखने में बड़ा हो सकता है बट समझाने में तो 2 लाइन का है क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आइंस्टीन के समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है हमको। देखो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ये अगर तुमने ढंग से पढ़ ली तो व्याख्या हो जाएगी, सब कुछ नहीं है क्योंकि इसी में से सब निकल के आया है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? केमैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहां पर एच न्यू नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट। एच न्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो जो केमैक्स है वो
डायरेक्टली समानुपाती तो नहीं होगा, लेकिन हाँ समानुपाती हम कह सकते हैं आवृत्ति के, आवृत्ति के समानुपाती। और डायरेक्टली तो नहीं है, वो तो हमको भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आवृत्ति दोगुनी कर दोगे गतिज ऊर्जा दोगुनी, दोगुनी नहीं होगी हाँ, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। तो जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, और बड़ी में से एक फिक्स संख्या घटाते जाएंगे तो एक फिक्स नंबर आता जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहला पॉइंट कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये पहला पॉइंट है सिंपल। इसके बाद में दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पॉइंट ये बताएगा कि कब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कब नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी से देख लो इसको। दूसरे पॉइंट में तीन पॉइंट, पहला तो ये हो ही गया कि आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, दूसरे का पहला पॉइंट ए, अगर मान के चलो न्यू का मान छोटा है न्यू नॉट से, तो ऐसे केस में के बराबर नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, यहां पर ध्यान से देखो, क्योंकि नेगेटिव कौन सा है, सॉरी बड़ा कौन सा है, न्यू नॉट, छोटा कौन है, न्यू। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। जब इसमें से इसको घटाएंगे और ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो नेगेटिव संख्या आएगी, तो के नेगेटिव। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जब नेगेटिव होती है तो वो उत्सर्जित ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये है वो बंधित इलेक्ट्रॉन ना कि उत्सर्जित। तो पहले पॉइंट में क्या लिख देंगे, अतः दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, जो ये सिद्ध करती है कि यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी इसकी व्याख्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। दूसरा, न्यू बराबर न्यू नॉट हो तो ऐसे केस में के बराबर जीरो आएगा। इसका ये मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होगा, परंतु वो गति नहीं करेगा, उसकी गतिज ऊर्जा जीरो है। सी पॉइंट, अगर न्यू का मान ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो इस केस में के जो है वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। पॉजिटिव प्राप्त होने का मतलब है ये उत्सर्जित भी होगा और गति भी करेगा, और गति करेगा तो प्रकाश विद्युत धारा पैदा करेगा, जबकि ये दोनों प्रकाश विद्युत धारा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उत्सर्जित ही नहीं हुआ, करेगा कहां से, ये उत्सर्जित हो गया बट गति नहीं कर रहा, तो आवेश के गति के बिना धारा होती नहीं है। और इसमें उत्सर्जन भी होगा, प्रवाह भी होगा, अर्थात गति करेगा, जिससे प्रकाश विद्युत धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो दूसरे पॉइंट के अंदर तीन पॉइंट हो गए, इनको अपनी भाषा में लिख लेना, या फिर मैं नोट्स अपलोड कर रखे हैं उसमें से लिख लेना। तीसरा इसमें पॉइंट है, तीसरा पॉइंट सुन लो ध्यान से। तीसरा पॉइंट ये है, जो हमने यहां पे पढ़ा था कि तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, वो हमको लिखना है। लिखो, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आपतित फोटोन की संख्या बढ़ती है, परंतु फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ने के कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो तीसरे पॉइंट में ये लिख देना। इसके बाद में लास्ट और चौथा पॉइंट समझ लो, ये आगे काम आएगा हमारे। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फोटोन आया, तो ये इस पूरे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद में अगर ये इसके कार्यफलन से कम हुई तो इस ऊर्जा को लेगा और वापस छोड़ देगा, इसके कोई काम की नहीं है वो ऊर्जा। और ये इससे ज्यादा हुई तो इस ऊर्जा को लेकर खुद भी चला जाएगा, सही है। तो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन को अवशोषित करके, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन को अवशोषित करके उत्सर्जित होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, इस कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चता नहीं होती है, समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात ना के बराबर समय में, जैसे ही प्रकाश आया फोटोन आया तुरंत निकल जाएगा। ये नहीं है कि फोटोन आएगा फिर इसको लेगा धीरे धीरे, फिर ये सोचेगा जाना है नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोन आया दड़ा, फोटोन आया दड़ा, फोटोन आया दड़ा, ऐसे करके दड़ाधड़ निकलता हुआ चल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई लेट नहीं होगा, समय पश्चता नहीं होगी। तो ये था भाई साहब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की कंप्लीट व्याख्या। यहां तक चार लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं,
बैक टू बैक मैं अपलोड कर रहा हूं इनको, इसके बाद में लेक्चर नंबर 5, 6 और जरूरत पड़ी तो 7 भी अपलोड कर देंगे। कंटिन्यूअस हम अपलोड कर रहे हैं, तो तुम भी कंटिन्यूअस देखते जाओ और सभी दोस्तों को इसको जरूर पहुंचाओ।